सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड, अमीना बुटीक में आपका स्वागत है और आज मैं आपको इसमें बताऊंगा ब्लाउज टिप्स की हमारी आएगी 37 और 38 में। 37 38 में हम 13 आर्मोर लेंथ और फ्रंट कितना रखेंगे ये सब मैं आपको इसमें बताऊंगा और साथ ही इसमें कटिंग करके भी साथ के साथ दिखाऊंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 1 से 10 इंच तक या 12 इंच तक हम इसमें गले लेंगे, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि फ्रंट लेंथ लेने के बाद आर्मोर और तीरा किस हिसाब से इसमें रखेंगे और किस हिसाब से आप कटिंग करते हुए बनाएंगे। तो ये सब सीखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट करें तो हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसमें इसका नाप बता देता हूँ। नाप है हमारा 14.5 इंच की लंबाई है ब्लाउज की। प्लेट लेंथ आएगी 10 इंच, जरूरी नहीं है कि 10 इंच हो, ये मैंने सिर्फ एक डेमो पीस लिया है। आप अब जब भी कभी भी आप इसमें नाप लेंगे, जिसकी जहाँ पे प्लेट बैठेगी उस हिसाब से आप रखेंगे। किसी की 10.5 पे भी बैठेगी, किसी की 10 इंच पे भी बैठेगी, ठीक है। तो ये हमने डेमो के लिए लिया है, ये आप इसके ऊपर ना जाएं। बाकी ब्रेस्ट हमारी 37 और 38 हमारी वो ब्रेस्ट होगी जो हम नाप लेने का लूजिंग डालते हैं तो, या कपड़े का नाप लेते हैं फिक्स बैठती है, ठीक है। तो ये हमारा 37 और 38 तैयार नाप होगा, उसमें हम ये आपको बताएंगे किस हिसाब से क्या रखना है। बाजू की लंबाई 5 इंच की लंबाई है, 12.5 इंच की इसकी गोलाई है, मोरी जिसे हम कहते हैं। बाकी 1 से 12 इंच तक हमने पूरा फार्मूला लिख रखा है, ये मैं आपको एंड में दिखाऊंगा साथ साथ कटिंग करते हुए। तो उसके लिए हम आपको ये हमने कपड़ा लिया है, ये हमारा कपड़ा है, कपड़ा कुछ इस प्रकार होगा हमारा, ठीक है। काफ़ी बड़ा अर्ज है क्योंकि डेमो पीस है हमारा ये, ठीक है। और आप इसको इस हिसाब से पहले करें, करने के बाद आप इसको ऐसे मिलाएं, ये देखिए, फिर इसे प्रेस से थोड़ा सा बिठा लें, जब आप इसको बिठा लेंगे तो आप फुट्टे की मदद से सबसे पहले हमारा निशान होता है ये वाला, हम ये निशान लगाएंगे। दूसरा निशान हमारा होता है ये वाला, ये निशान लगाएंगे, ठीक है, ये दो निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारी जो लेंथ है, लेंथ का हम निशान लगाते हैं, लेंथ हमारी 14.5 इंच, तो हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे इस हिसाब से। अब जो हमारी आर्मोर लेंथ लेंगे हम, तो आर्मोर लेंथ हम इसमें 6.5 इंच रखेंगे सब में, बस 1 से 4 इंच तक जिसमें आर्मोर लेंथ हमें बढ़ाते हैं उसमें आपको बता दूंगा। तो इसमें आर्मोर लेंथ आपके पूरे ब्लाउज में इस नाप के अंदर 6.5 इंच पर रहेगी, ठीक है। प्लेट का नाप है हमारा 10 इंच, तो हम इसमें सिर्फ 1/2 इंच फालतू प्लस करेंगे और लंबाई में प्लस करेंगे, बाकी प्लेट में नाप आपका वही रहेगा, ठीक है। 10.5 इंच पे निशान लगाने के बाद आप इसको सीधा सीधा निशान लगा लें, जब आप इस हिसाब से निशान लगा लेंगे तो सबसे पहले नीचे फिनिश करते हैं। आप यहाँ पे 3.5 इंच का निशान लगाएंगे इस निशान से, ठीक है, फिर यहाँ भी 3.5 इंच का निशान लगा लें, और जो आपका इस तरफ होगा तो यहाँ से आप नापेंगे 1.25 इंच पे, यहाँ से आप नापेंगे 2 इंच पे। जब ये निशान लगा लेंगे सब तो एक निशान आएगा आपके इन दोनों के बीच में इस हिसाब से, ठीक है। फिर आप इसको ये देखिए, प्लेट का ये दे दिया आपने, फिर आप इसको हल्की इस वाले को तिरछी कर दें, इस वाले को आप ये सीधी करें, और आपका नाप है इसमें 37 38, तो हम इसमें 38 नाप ले लेते हैं। 38 का 9.5 इंच हम यहाँ से 9.5 या 9.25 रख लेंगे, 9.5 रखते हैं, गला डीप होगा तो हमारा गला बढ़ भी जाएगा, क्योंकि हम ये जब जोड़ते हैं ब्लाउज नाप के जोड़ते हैं, ठीक है, तो अंदाजे से कटिंग होती है। तो हम इस हिसाब से एक निशान लगा लेंगे अंदाजे के लिए, फिर सीधा निशान लगाएंगे, फिर हल्का फालतू छोड़ के मार्जिन वाले का निशान लगाएंगे। अब हमारी जो प्लेट का निशान था, हम इसको हल्का तिरछा करके हम इसका निशान लगा देंगे, तो ये हमारी प्लेटों का निशान इसको इस हिसाब से आ जाएगा। अब हम जो ब्लाउज का फ्रंट रखेंगे वो फ्रंट होगा हमारा 5.5 इंच, ठीक है। आर्मोर लेंथ हमारी होगी 6.5 इंच, और जो हमारा फ्रंट होगा इसे हम फ्रंट कहते हैं, इसे हम आर्मोर लेंथ कहते हैं, तो फ्रंट हमारा होगा 5.5 इंच। एक बार और बताता हूँ मैं आपको, आर्मोर लेंथ इसको कहते हैं हम, ये रखेंगे 6.5 इंच, इसे हम फ्रंट कहते हैं, ये रखेंगे 5.5 इंच। 5 इंच से लेके 12 इंच तक हमें यही नाप रखना है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा 1 से 4 इंच तक बैक गला होता है तो हम उसमें कितना रखेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ब्रॉड का निशान लगाता हूँ 3 इंच का, जो कि ब्रॉड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कि साथ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस ब्लाउज में हमेशा 6 इंच ब्रॉड होता है। फिर एक निशान इस हिसाब से लेके मैं गोल गले का निशान बना लेता हूँ दिखाने के लिए आपको, यहाँ पे गले का डीप ले लेते हैं हम 7 इंच, ठीक है, 6.5 भी रख सकते हो। आपको सिर्फ फ्रंट गले से नहीं, बैक गले से ही तीरे का अंदाज़ा लेना होता है, आप फ्रंट गले पे ना जाएं, फ्रंट गला आपका डीप कितना भी हो लेकिन आपको हमेशा बैक गले के हिसाब से चलना होगा।
तो जो हमने ये नाप आपको मैंने बताए हैं, यहाँ से लेके 6.5 इंच होगा इस नाप में, ये आपका फ्रंट होगा 5.5 इंच, तो तीरा तीरा हम इसको कहते हैं, ये जो आप नाप रहे हो इसे तीरा कहते हैं। तो हम तीरा कितना रखेंगे, तो तीरे के लिए मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए मैं दूसरा चौक लेता हूँ डेमो के लिए। तो हमारा अगर ये बैक गला, ध्यान में सुनो जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, अगर हमारा बैक गला, फ्रंट का हमारा 7 ही होगा, लेकिन बैक गला अगर हमारा 1 से 4 इंच तक है, तो हम इसमें आलमोन लेंथ ले लेंगे 7 इंच के आसपास, ठीक है। इस हिसाब से हम निशान लगा लेते हैं एक, ठीक है, और यहाँ पर हमने निशान लगा लिया 3 इंच ब्रॉड पे। अब हमारा जो गला है वो हमारा बैक गला 1 से 4 इंच तक है, और हमारा जो उसमें तीरा तैयार आएगा वो आएगा हमारा 14 इंच, तो हम 7 इंच पे हल्का फालतू 7.25 पे एक निशान लगाएंगे, ठीक है। इसी हिसाब से हम नीचे भी 7.25 पे एक निशान लगा लेंगे, ये निशान लग गया। अब हमारा जो फ्रंट का निशान लगेगा वो हमारा लगेगा 11.5 इंच में, इसमें फ्रंट हमेशा हल्का बढ़ता है, ठीक है। फिर आप इसको इस हिसाब से एक निशान लगाएंगे, फिर दूसरा निशान आप इसको इस हिसाब से लगाएंगे, यदि आपके 2 निशान लग जाएंगे तो आप इसको इस हिसाब से ड्राइंग कर लेंगे। ये फ्रंट का ड्राइंग हो गया, बाकी जो ये आपका आर्मोल वाला सेंटर वाला हिस्सा जा रहा है, आप इसको प्लेट को इस हिसाब से मिला दें तो ये प्लेट हमारी मुट्ठी में चली जाएगी। अब हम इसको आपको कटिंग करके भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको नीचे से काटते हैं, जितना मार्जिन लेना है उस हिसाब से, और ये हमारा ये जो खुला हुआ हिस्सा ही हमारी हुक और आई की पट्टी लगेगी, तो ये हमारा जो निशान वाला हिस्सा होगा निशान से हम आधा इंच फालतू काटेंगे, जो जिसमें कि हम हुक और आई की पट्टी बना के लगाएंगे बड़मा, ठीक है। ये हमने इस हिसाब से काट लिया, अब हम इसे काट देते हैं। अब इसको हम कैसे काटेंगे आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ तक काटेंगे, उससे हम यहाँ से एक पैर डाउन कर देंगे, एक पैर ओनली, ठीक है। एक पैर डाउन करने के बाद आप इसको ऐसे रखें, बैक वाले हिस्से को काटें, ऐसे काटने के बाद हम इसको सीधा काट लें। आप इस कपड़े को हटा दें और मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस हिसाब से कटेगा। फिर आप बैक को काटेंगे, जब बैक आपका कट जाएगा सेम, कभी भी फ्रंट पहले ना काटें, हमेशा बैक को ही काटेंगे आप छोटे गले में या कॉलर में। फिर उसके बाद जब आप बैक आप काट लेंगे तो उसके बाद ये फ्रंट को इस हिसाब से छाड़ दें। जब ये आप छाड़ देंगे तो हम कुटके लगाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कट यहाँ लगेगा, दूसरा हमारा यहाँ लगेगा, तीसरा हमारा यहाँ लगेगा, चौथा हमारा यहाँ पर लगेगा, पाँचवा हमारा यहाँ लगेगा, और जो छठा होगा वो हमारा आर्मोल लेंथ यहाँ पर लगेगा। तो ये हमारा 1 से 4 इंच तक में इस हिसाब से कुछ लगेगा। लेकिन अगर हमारा गला, अब उसके लिए हम येलो चौक लेते हैं, अब हमारा गला आता है 5 इंच से शुरुआत हो जाती है, तो भाई 5 इंच से शुरुआत होगी तो सबसे पहले तो हम आर्मोल लेंथ को कम कर देंगे। हमारी आर्मोल लेंथ हो जाएगी अब 6.5 इंच, 5 से गले जितने भी डिप होंगे, तो हम इसको आर्मोल लेंथ को सीधा करके ख़त्म कर देते हैं। ये हमने सीधा काट दिया, आर्मोल लेंथ होगी हमारी 6.5, और हमारा जो फ्रंट होगा इसके अंदर हमारा फ्रंट अब चलेगा 5.5 इंच पूरे नाप में, ठीक है। ये मैं आपको बार बार इसमें नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाती है। 5.5 इंच हम इसमें फ्रंट रखेंगे, आर्मोल लेंथ रखेंगे 6.5 इंच, फ्रंट रखेंगे 5.5, 5 इंच से लेके ऊपर जितने भी गले होंगे उसमें 5 और 6 इंच आपका बैक गला डीप है, तो आप इसमें किस हिसाब से तीरा रखेंगे, आप तीरा रखेंगे 5.25 इंच, ठीक है। 5.25 इंच तीरा रखेंगे और इसको इस निशान से मिला के इस हिसाब से और यहाँ से हल्का सा सेव दे देंगे और आप इसको काटेंगे। ये आपका कट गया। अब आप जो ये निशान है, इस निशान से आप पहले तो वहाँ गए थे 1 से 4 तक, लेकिन आप इस निशान को आप इस हिसाब से कर लें और यहाँ पे कट दे दें, ठीक है। तो ये तो हमारा 5 से 6 इंच तक हो गया। अगर हमारा गला 7 और 8 इंच है, 7 और 8 अगर हमारा गला है, तो हमारी आर्मोल लेंथ भी 6.5 रहेगी, हमारा फ्रंट भी 5.5 रहेगा, लेकिन हमारा तीरा हो जाएगा 5.25 या 5 इंच, ठीक है। तो हम इसमें 5 इंच कर लेते हैं, ठीक है, और इसको निशान को मिला के नीचे वाले निशान से ऐसे मिलाएंगे, इसको हम हल्की सी सेव दे देंगे। और साथ ही आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने डाउन नहीं करा था, आप इसको एक पैर इसको भी डाउन कर लेंगे, एक पैर ओनली, ठीक है, डाउन कर लेंगे पूरे में और आप इसको इस हिसाब से सेव दे दें। तो ये आपका 7 और 8 गले का डीप का हिसाब से तीरा हमने काट दिया, बाकी चीज़ सेम रहेगी। अगर हमारा बैक गला डीप हो जाता है 9 से 10 में 5 इंच कर लेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, इसमें 5 इंच पे ही चलेगा। आप थोड़ा कम और भी कर सकते हैं, 4.25 है तो 4.25 में
निशान लगा लें नीचे तक या यहाँ से हल्की हल्की इस हिसाब से तीरे को छाड़ दें, नीचे को ना छीड़ें, क्योंकि हमारा बैक गला डीप होता है तो हमारा ये चीज़ बढ़ती है, ये चीज़ नहीं बढ़ती, ये चीज़ तो हमारी, अगर हम ये भी कम कर देंगे तो हमारा यहाँ से फंस जाएगा, यहाँ से ये पोर्शन हमारा फंस जाएगा। हमारा कुट कर लगा है इस हिसाब से हमारे सेफ है, ठीक है। लेकिन हमारा बैक गला अगर 11 से 12 है तो आप यही रख सकते हैं पूरा मेजरमेंट, लेकिन उसमें पैड लगाएंगे बढ़िया रहेगा। पैड के लिए अलग ही कटिंग होती है, वो मैं कटिंग डाल चुका हूँ, पहले ही अपलोड है। और अगर आप यही पहनना चाहते हैं, पैड नहीं लगाना चाहते, तो बैक में डोरी लगा लें, जिससे कि आपका गला बना रहेगा, वो कंधे नहीं गिरेंगे इस नाप से। फिर आप एक यहाँ पे कट लगा लें तो ये आपका हमारा कट हो गया, बाकी जिस हिसाब से हम लेते हैं। अब इसको कैंची की मदद से जो निशान है हमारे ऐसे कर लें, इससे क्या होगा आप उल्टी साइड देखेंगे निशान उठ के आ गए, आपको नज़र नहीं आते होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ निशान लगा के, इस हिसाब से हमारे निशान उठ के आ गए। अब निशान उठ के आए तो हम जो जो हमने कट लगाए थे हम कट से मिला के ऐसे ऐसे करके, जो बिगनर हैं, हम तो ज़रूरत नहीं हमें, लेकिन हम जो बिगनर हैं उनके लिए बता रहा हूँ, इस हिसाब से निशान लगा लेंगे तो ये भी हमारे आपको प्लेट डालने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा इस हिसाब से फ्रंट कटेगा। अब हम बैक काटेंगे। बैक काटने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला हिस्सा था जहाँ से हमने फ्रंट निकाला था, हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और यूँ घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे। घुमाने के बाद आप इसमें हल्की प्रेस का इस्तेमाल कर लें, प्रेस का इस्तेमाल करने के बाद आप ब्लाउज को लें, और ब्लाउज को लेने के बाद जो हमारा ये जो निशान है पीले चौक का, हम इस चौक के निशान से ऐसे बाहर निकालेंगे कपड़े को, इधर भी हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद हम इसका तीरा और बैक कितना फालतू काटेंगे वो आप देखें, तीरा तो हमारा होगा ओके बिल्कुल जितना हम काटते हैं, लेकिन बैक हम कैसे काटेंगे, बैक हमारी इतनी फालतू होती है ब्लाउज में, देखिए जो मैं काट के दिखा रहा हूँ आपको, आप इतनी ही फालतू रखें बैक इस साइज के अंदर, और फिर ऐसे काट लें, ठीक है। तो ये हमारा जब इस हिसाब से कट गया तो एक कुटका हम यहाँ पे लगा लेंगे, जो हमारा ब्रॉड का निशान आ जाएगा, ठीक। जब आप ये कर लेंगे तो एक निशान हम इस हिसाब से कैंची भी यहाँ भी लगा देंगे, इसको मैं बाद में दिखाऊंगा, सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर हम जो हमारी लेंथ होगी, हम यहाँ से कपड़े को ऐसे मोड़ेंगे आधा इंच, यहाँ एक निशान लगाएंगे, इस हिसाब से हम यहाँ भी इसको आधा इंच मोड़ेंगे, एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद फुट्टे की मदद से सीधा कर लें और इसको कटिंग कर दें। जब इसको कटिंग कर देंगे तो ये देखिए बैक साइड में जो हमने निशान लगाया था, इस हिसाब से उठा लें और ये आपका हो गया, इस हिसाब से निशान लगा के आप ये कट लगा लें आप, और आपका बैक साइड में भी इसके एक निशान लगा लें, तो ये हमारे प्लेट के निशान इसमें उड़ गए। अब मैं आपको बताता हूँ हमने बैक छोटी क्यों काटी। ऐसा होता है पैडेड ब्लाउज जो होते हैं उसके अंदर हम साइड प्लेट नहीं डालते हैं, ठीक है, ये प्लेट नहीं डालते, लेकिन नॉर्मल ब्लाउज हमारी ये प्लेट पड़ती है, तो हम ये प्लेट को जब डालेंगे तो हमारा ये पोर्शन हमारा आधा इंच छोटा होता है, जो कि हमारे बैक पल्ले से बिल्कुल बराबर आके मिल जाता है और हमें साइड जोड़ने में परेशानी बिल्कुल नहीं होती, तो इसलिए हम बैक पल्ले को छोटा काटते हैं। तो ये हमने तो बैक और फ्रंट काट दिया, अब हम काटेंगे इसकी बाजू। तो बाजू भी आपको मैं बताऊंगा कि इसमें बाजू में आप कितना, मतलब बाजू आर्मोल आप कितना इसमें तैयार रखेंगे। तो हम उसके लिए देखिए कपड़ा तो हमारे बहुत है, तो हम कपड़े को पहले इस तरह से डबल कर लेते हैं। डबल करने के बाद आप इसको इस हिसाब से लें और प्रेस से पहले हल्के से गिरेज बना लें। ये तो इसमें काफ़ी कपड़ा बच गया, लेकिन जो नॉर्मल ब्लाउज आप बनाएंगे तो ये ध्यान रखना कपड़ा बहुत कम होता है, तो उस हिसाब से हम निकालेंगे। तरीका यही होगा जो मैंने निकाल के दिखाया, लेकिन बाजू के लिए इतना कपड़ा नहीं बचेगा, बाजू के लिए आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं अब इसमें खुला खुला लेके आपको बता रहा हूँ, एक निशान हम ये लगाएंगे और हमारी बाजू लेंथ होगी 5 इंच, तो हम 5.5 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे, आधा इंच हमारा बाजू में दब जाएगा। आर्मोल लेंथ होगी ये, अब जो मैं निशान लगाने जा रहा हूँ इसे कहते हैं बाजू आर्मोल लेंथ, ये आर्मोल लेंथ आएगी हमारी 3.5 इंच पे, 3.5 इंच पे निशान लेके हम यहाँ पर भी एक फुट्टे से सीधे मदद से निशान लगा लेंगे। अब हमारे जो यहाँ पे बाजू का आर्मोल लेंथ आर्मोल होगा वो होगा हमारा यहाँ पे 7.5 या 7.5 बैठेगा, तो हम 7.5 पे निशान लेंगे, क्योंकि हमारा ये छोटा पाँचवा भाग होता है लेकिन ब्लाउज में एक छोटा बनता है हमारा, तो 7.5 पे निशान लेने के बाद अब इसकी बाद जो मोरी होगी हमारी वो है 12.5 इंच, तो हम 6.25 पे निशान लगाएंगे और इसको सीधा इस हिसाब से कर देंगे। जब ये हम इस हिसाब से कर देंगे तो ये चौक की मदद से हम निशान लगाएंगे, जो बिगनर हैं जो काम करते हैं वो तो लगा लेंगे, लेकिन जो बिगनर हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस हिसाब से निशान लगा लें फिर काटें। फिर आप थोड़ा फालतू मार्जिन काटेंगे,
इसको हटा देते हैं। फिर जितना आप तिरपाई में फोल्ड करेंगे अब उतना कपड़ा काट लें। फिर आप एक कट ये लगाएंगे, दूसरा कट आप ये लगाएंगे, तीसरा कट आप ये लगाएंगे। उसके बाद आप इसको खोल लेंगे। जब आप ये खोल लेंगे तो आपको फ्रंट वाला हिस्सा काटना है, तो उसके लिए भी आप चोक का इस्तेमाल कर लें इस हिसाब से, और आप इसको फ्रंट को भी इस हिसाब से काट दें। ये देखिए आपने फ्रंट काट लिया, तो ये आपका पूरा का पूरा प्रॉपर ब्लाउज कट चुका। अब आप साथ में आपको मैं बताता हूँ नाप के लिए। तो दोस्तों ये मैंने बनाया है जो उसकी मैंने आपको बताया था कि इसमें कितना तीरा रखना है, तो 1 से 4 इंच में आपको 14 इंच तैयार रखना है, यानी हाफ हो जाएगा इसका 7 इंच तैयार तीरा। 1 से 4 इंच ये बैक गला बता रहा हूँ मैं आपको, 1 से 4 बैक गला है, ये चीज़ का ध्यान रखना। फ्रंट में आप 7 बनाओ 6 बनाओ उससे मैटर नहीं है, आपको बैक गला फ्रंट बैक का कितना डीप है उस हिसाब से तीरा रखा जाता है। अगर आपका बैक गला 5 से 6 इंच डीप है तो आप 5.25 इंच से तीरा काटेंगे, इसमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना, 5.25 से ही काट देंगे, ठीक है। अगर आपका बैक गला 7 और 8 है तो आप 5.25 इंच या 5 इंच का तीरा काट सकते हैं, ठीक है। अगर आपका बैक गला 9 और 10 इंच है तो आप 5 इंच से तीरा काटेंगे, लेकिन अगर आपका बैक गला 11 और 12 इंच है तो आप 4.25 इंच से तीरा काट देंगे। तो दोस्तों ये साइज मैंने आपको बताया 37 और 38 में, आप किस हिसाब से रखेंगे। बस आपको प्लेट का नाप ध्यान रखना, प्लेट जिसकी जहाँ पे आएगी, किसी के 10.5 पे आए तो आप 10.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे। अगर प्लेट का नाप 1 इंच भी आपने गड़बड़ा दिया तो पूरे ब्लाउज की फिटिंग खराब हो जाएगी। इस और बाकी जो मैंने आपको फार्मूला इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का तीरा का बता दिया है, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। इतना हिस्सा तो मैंने आपको पूरा कटिंग करके दिखा दिया, लेकिन जो 5 से 6 इंच है इसमें जो हमारा क्या नाम है फ्रंट वाला हिस्सा होगा वो होगा हमारा 5.5 इंच तैयार, और जो आर्मोर लेंथ होगी आर्मोर लेंथ वो होगी हमारी 6.5 इंच की, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 5 से लेकर 12 इंच तक में आपको फ्रंट 5.5 तैयार रखना है, आर्मोर लेंथ 6.5 पे रखना है, बाकी तीरा मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया। तो दोस्तों ये था 37-38 साइज जो कि मैंने आपको इसमें बता दिया किस हिसाब से आप इसमें तीरा रखेंगे, फ्रंट रखेंगे और आर्मोर लेंथ रखेंगे। ये सब चीज़ें आप जैसे मैंने ब्लाउज काटा है स्टेप बाय स्टेप, आपका जो भी नाप इसमें अगर आपका यही साइज़ है तो आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे काटें और आप बनाएंगे तो आपकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया बनेगी। और साथ ही अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।